इच्छा थी कि भले हमारी जिंदगी रहे न रहे लेकिन देश के लोगों का कल्याण हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ कि मुझसे कुछ ऐसा हो जाए, मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ अपने काम से। यस, कोई कमी है, कुछ अधूरा है अभी, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। परमात्मा ने एक आदेश दे रखा है, जैसे मान लो कि इस देश का कुछ करना है, इस देश को कुछ नया बनाना है, एक नए भारत का निर्माण करना है, कोर टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने मेरी जिंदगी का चित्रण किया है, शायद कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कर दिया है आप लोगों ने। ऐसा कुछ भी नहीं है जितना दिखाया गया है। मैं भी आपकी तरह एक सामान्य इंसान हूँ। पर मैं अपने लिए कोई सपना मुझे आता नहीं है, मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि पूरा देश और विशेष तौर से जो आप लोग जो आरसीएम में शामिल हो चुके हैं, मुझे एक अपना फैमिली लगता है, एक परिवार लगता है। और मुझे परिवार के लोग खुश रहे, आनंद से रहे और इससे भी ज़्यादा नैतिक रहे, अच्छी सोच हो, मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए जिए। तो जिंदगी में हासिल करने के लिए कुछ नहीं होता है दोस्तों, जिंदगी में आपके विचार ही आपके मूल्य को बढ़ाते या घटाते हैं, बाहर कुछ भी नहीं है, जो भी है आपके भीतर मौजूद है। चलो आज एनिवर्सरी का मौका है और एनिवर्सरी क्यों करते हैं हम लोग, एनिवर्सरी इसलिए करते हैं ताकि हम सब लोग एकत्रित होकर एक संकल्प ले, एक टारगेट ले, एक लक्ष्य ले और उस लक्ष्य को पूरा करें। लक्ष्य लेके चले नहीं जाना है, लक्ष्य को पूरा करें, इसके लिए इकट्ठे होते हैं। तो आप लोग अपना अपना लक्ष्य लेंगे, वो आपको सोचना है, लेकिन मैं या कंपनी क्या लक्ष्य लेती है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि आपका तो आप ही जान सकते हो। पर इस बार कुछ तो ज़्यादा करना ही है डेफिनेटली, तो मैं थोड़ी सी आपको ये कुछ चलाएंगे इसको वीडियो। आप सब लोगों का टाइम आज बहुत कीमती है, तो अपन थोड़ा इशारों इशारों में बात कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लाइट ज़्यादा है स्टेज पे, कम कर दीजिए। तो जैसा कि आरसीएम का नारा है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, हिंदुस्तान को एक नया भारत का निर्माण करना है हमें। एक थोड़ा सा एक झलक देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वर्ल्ड वाइड। तो अमेरिका और चीन में बहुत सारा व्यापार होता है, जबकि हमारे देश का स्थान देखेंगे तो ऐसा नजर ही नहीं आता कि लास्ट में आपको तो छोटी सी टिकरी दिख रही होगी, जबकि देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। भारत जबकि सबसे ज़्यादा सूटेबल है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, सबसे ज़्यादा अगर कहीं होना चाहिए तो वर्ल्ड में नंबर वन हिंदुस्तान में होना चाहिए। उसकी क्या वजह है, यहाँ ज़्यादा जनसंख्या है और यहाँ लोगों को काम की ज़रूरत है, स्वयं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा सपना था कि भारत देश को स्वावलंबी बनाना है, उन्होंने चरखा चलाना सिखाया। प्रैक्टिकल तरीका नहीं हो पाया, लेकिन आरसीएम एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका है जो पूरे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के और इससे देश की जो एक बहुत बड़ी समस्या, सरकार इतनी परेशान है फाइनेंस की वजह से, उनको इनकम नहीं होती, उनको उतना रेवेन्यू नहीं आ पाता है, पर आरसीएम जैसा एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है जो देश को रेवेन्यू जनरेशन में बहुत ज़्यादा मदद करती है। एक कुशल भारत यानी शिक्षा के लिए यहाँ लोग जो कुछ कम एजुकेटेड मान लो या कम शिक्षित होते हैं, वो लोग भी इस इंडस्ट्री में आके बहुत कुछ सीख जाते हैं बिना कॉलेज गए भी। तो एक कुशल स्किल इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है।
और महिला सशक्तिकरण जो हिंदुस्तान की महिलाओं का एक हमेशा ही एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है कि इस देश की महिलाओं के जीवन को कैसे सुंदर बनाएं, क्योंकि उनका जीवन जब तक सुंदर नहीं बन सकता है तब तक तो देश सुंदर हो नहीं सकता। पर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री RCM इस काम के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे और भी बहुत सारे बिंदु है पर इस देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा होनी चाहिए, पर है क्यों नहीं? जब ज्यादा होनी चाहिए तो क्यों नहीं है, एक और बड़ा सवाल है। और इसे हमें अगर समझने की कोशिश करें तो बात सामने आ जाती है, यहाँ गलत कंपनियों का बहुत ज्यादा प्रभाव। और गलत कंपनियों से ज्यादा जो प्रॉब्लम वो कहाँ है जड़, वो मैं बताता हूँ, यहाँ के लोगों का लालच। लालच जल्दी समझ में आता है, काम बहुत लेट समझ में आता है। ईमानदारी की बातें समझाने में पसीना छूट जाते हैं। और एक आप ऐसी स्कीम ला दो कि आप 1,000,000 रुपए जमा कराओ और 3 साल में आपको 20 लाख मिल जाए, लोगों को बहुत जल्दी समझ में आता है, तुरंत समझ में आ जाता है। तो भैया अगर आप लालच करोगे तो लालच देखकर ठगने वाले लोग तो पैदा होंगे। पर इस देश का एक बहुत बड़ी त्रासदी रही है, एक बहुत बड़ा वजह रहा है कि यहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उतनी इज्जत नहीं प्राप्त कर पाई। लोगों को बहुत समझाना पड़ता है, लोगों को डाउट होता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना है, इस देश ने एक ऐसी क्रांति गठित करनी है, ऐसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खड़ी करनी है कि इस देश का बच्चा बच्चा ये विश्वास करने लग जाए कि इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए अगर सही कुछ होता है तो किसी व्यवस्थित RCM जैसी कोई डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमें बहुत फेयर, इथिकल, नैतिक, एक जबरदस्त पावरफुल अच्छा सिस्टम खड़ा करना है ताकि इस देश के लोगों का विश्वास हम जीत सके और ये इस देश का भला तभी हो सकता है। RCM इस उद्देश्य को लेकर कि कैसे हम इस प्रतिष्ठा बढ़ाएं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो RCM ने 4 मुख्य स्तंभ है इसके जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक तो रियल प्रोडक्ट है, यहाँ पर कुछ भी बनावटी नहीं है, न कीमत बनावटी है न प्रोडक्ट बनावटी है, वास्तविक जीवन में काम आने वाले जो 4 चीजें हैं जो आप सभी को बार बार मैं उल्लेख करता रहता हूँ कि काम आने वाले प्रोडक्ट होने चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी नंबर 1 होने चाहिए और रेट बहुत रीजनेबल होने चाहिए। इस पैकेज को RCM रेगुलर मेंटेन कर रहा है और मेरा वादा है, ये वादा आपके सामने खड़े होकर कर रहा हूँ कि जो आज तक आपने देखा है RCM के प्रोडक्ट में उससे ज्यादा कुछ मिल सकता है, उससे कम आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अभी हमारी तैयारियां और ज्यादा अच्छी कर दी है, हम अपनी कमियों को देख रहे हैं कि कुछ कुछ और करने की जरूरत है, हम उन सब चीजों पर काम कर रहे हैं और डे बाई डे आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये जो चीजें हैं इतनी जबरदस्त मिलेगी। आज अभी आपको क्रिसोल के बारे में बताया गया, क्रिसोल के प्रोडक्ट का इतना जबरदस्त फीडबैक है, इतनी बेहतरीन क्वालिटी है कि उसको आप लोग खुद पर आप लोगों को चेक करना चाहिए। इस प्रोडक्ट का थोड़ा सा कम अभी है। दूसरी व्यवस्था जो है इसका मार्केटिंग प्लान है, बहुत सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है और बहुत एक नीति सम्मत है, मतलब रीजनेबल तरीके से कहाँ क्या जाना चाहिए, न किसी की जेब काटनी है, जेब काटने का धंधा नहीं है, लोगों का नुकसान करके 4 लोगों की जेब भरने का काम नहीं है, बल्कि RCM में तो ये ध्यान रखा जाता है कि इसका उपभोक्ता जो प्रोडक्ट यूजर है जो RCM में नहीं जुड़ा है वो भी अगर RCM में कुछ पैसा देता है और सामान प्राप्त करता है तो उसको भी लाभ होना चाहिए, उसको भी अच्छा प्रोडक्ट रीजनेबल रेट में मिलना चाहिए। तीसरी जो इसकी मुख्य चीज़ है वह मूल्य आधारित शिक्षा। आप जितनी भी इसकी किताबें लो, एजुकेशन लो, इसके गाने लो, इसके गीतों में भी शिक्षा भरी हुई है, इसकी किताबों में भी शिक्षा भरी हुई है और इसकी हर बात एथिकल है, नैतिक, पहले नैतिकता पहले, बिजनेस बात की बात है। तो मूल्य आधारित शिक्षा है। चौथा स्तंभ है इसका डायरेक्ट सेलर्स और कंपनी के बीच जो गहरा विश्वास, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा, मैं वर्ल्ड में ऐसी संस्था, ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा जहां आपस में एक दूसरे का इतना गहरा विश्वास हो। वो हम सभी को अच्छी तरह मालूम है 2011 की जो घटना हुई कि कौन दुनिया में कहां ऐसे लोग मिलेंगे जो एक साल भर तक इंतजार करने के बाद भी उस विश्वास के साथ डटे रहेंगे और कहां ऐसी संस्था मिलेगी जो अपने लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए किसी भी तरह के कठोर से कठोर कदम लेने के लिए। तो ये जो विश्वास है ये बहुत अद्भुत घटना है इस धरती की।
तो ये चार वित्तीय स्तंभ है। आरसीएम के लिए कुछ पीछे की जो डेवलपमेंट की कुछ आपको बात करूंगा, तो उत्पादों में वृद्धि की गई, बहुत सारे नए प्रोडक्ट आपको लास्ट ईयर में दिए हैं, उससे पहले भी लगातार चल रहे हैं। दूसरा जो काम हुआ, ब्रांड की पहचान बनाने में ब्रांड विजिबिलिटी पे काम हुआ है, वितरण व्यवस्था को सुधार किया गया है, और जो ऑपरेशंस होते हैं हमारे और आपके बीच के जो ज्वाइनिंग वगैरह के, पीयूसी के पेमेंट सिस्टम, ऑर्डर वगैरह के, इन सब चीज़ों को मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं बात करूँ तो उत्पादों में 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट लास्ट ईयर लॉन्च कर चुके हैं, और सारे प्रोडक्ट में वो चार चीजों का समावेश जरूर मिलेगा आपको। ब्रांड विजिबिलिटी, ब्रांड ताकि प्रोडक्ट अच्छे होने के साथ क्या है कि लोग एक जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ब्रांड भी देखते हैं कि यार ये ब्रांड है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो आरसीएम की ब्रांड को ऐसा बनाने का प्रयास चल रहा है कि इसके प्रोडक्ट यूज करते समय, इसके कपड़े पहनते समय, इसके जूते पहनते समय, या कुछ भी चीज उपयोग करते समय, आप कोई भी हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा आदमी, टारगेट क्या है अपना, टारगेट अपना ये है कि हम जो आज सेल करते हैं तो एक पर्टिकुलर क्लास तक हम रुक जाते हैं, पर आरसीएम का लक्ष्य है कि आप मिनिस्टर के पास जाइए, आप सीए के पास जाइए, आप डॉक्टर के पास जाइए, बड़े से बड़े लोग आपके प्रोडक्ट खरीद सके, उसके लिए ब्रांड विजिबिलिटी बहुत जरूरी है, और आरसीएम उस पर काम शुरू कर चुका है, जिसका आप थोड़ा सा आईना आप सामने देख रहे हैं। ये मेरे ख्याल से बॉम्बे कांदिवली का जो शोरूम बन रहा है उसकी पिक्चर है, और इसके अंदर के सीन जो ब्रांडिंग पे काम किया जा रहा है। नेक्स्ट जो वितरण व्यवस्था में भी एक्सपांशन किया जा रहा है, 20 से ज़्यादा डिपो लास्ट ईयर खुले हैं, अभी टोटल 120 के आसपास डिपो हो चुके हैं हमारे, और हमारा लक्ष्य है कि अगर आपका साथ इसी तरह से मिलता रहेगा तो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक डिपो जरूर होना चाहिए, ताकि लोगों को इजीली प्रोडक्ट मिल सके। और 700 से ज्यादा वंडरवर्ल्ड क्विक और वंडरवर्ल्ड ओपन हो चुके हैं, आपकी जानकारी के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। संचालन गतिविधियों में बहुत सारे सुधार किए गए, जो हमारे जो ज्वाइनिंग का सिस्टम पूरा बदल दिया, आपको पहले फॉर्म भरना पड़ता था, KYC डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते थे, PUC का पेमेंट कन्फर्मेशन करने के सिस्टम में, और ये जो चीज़ें चल रही हैं इसमें भी रेगुलर काम चालू है, इसके सॉफ्टवेयर और बन रहे हैं, तो आपको आने वाले समय में हर चीज़ बहुत स्मूथ मिलेगी, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी। ग्रोथ का सीन बहुत ज़बरदस्त है, ये जो ग्रोथ दिखाई गई है ग्रोथ पर ग्रोथ है, ऐसा नहीं 100 पकड़ लिया और 100 का 108 हो गया और अगले साल 100 का 119 हो गया, ऐसा नहीं है, 100 का 108 है, फिर 108 पे 15% है, 22% है, यानी ग्रोथ पर ग्रोथ, और ये जो ग्रोथ पर ग्रोथ का तरीका जो होता है ये दुनिया में ऊंचाइयों पर पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला क्या करता है, जब एक कदम रख देता है तो दूसरा कदम उससे आगे होता है, ये सेम सिस्टम से चल रहा है, तो रेगुलर कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, परसेंटेज आप देख रहे हैं, और एक लास्ट में 19-20 की ग्रोथ का वो खाली छोड़ रखा है कि आपका क्या मूड बनता है, कंपनी तो पूरे मूड में है, आपका मूड क्या है इस पर डिपेंड करता है। आज इतना आसान हो चुका है आरसीएम, इतने बढ़िया प्रोडक्ट आपको मिल चुके हैं, इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है, इतना बढ़िया माहौल है, आजकल लोग आरसीएम के नाम को सुनना चाहते हैं, आरसीएम की बात को सुनना चाहते हैं, इनकार नहीं करते हैं। आपकी एक्टिविटी कितनी रहती है, मैं तो यही चाहूँगा अगर मेरी बात आप मेरे दिल की आवाज़ को सुनते हो तो कम से कम 19-20 की ग्रोथ 50% तो आनी चाहिए। देखो सबको अपना अपना टारगेट ले लेने चाहिए और उस पर जी जान लगा देनी चाहिए, मतलब तो जिंदगी का मजा जब ही आता है। अभी जो मेन फोकस है आरसीएम के, महिलाओं को बढ़ावा देना है, महिलाओं को बढ़ावा देना है, यानी उनके लिए सब कुछ कर डालना, और हम सबको ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, आप सब लोगों को परिवार सही के साथ में शामिल होना चाहिए,
लोग जिनको नए गा रहे हैं उनको आप परिवार सहित लाइए, और मेरी अगर आप एजुकेशन में कभी भी आते होंगे, कभी भी सुनते होंगे, तो मैं हमेशा एक बात जरूर नोट करवाता हूँ कि परिवार सहित लोगों को बिजनेस में शामिल करिए। तो लेकिन ताकि क्या महिलाएं काम ज़्यादा कर पाएगी ना, सेलिंग का और परचेज का। ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? दूसरी जो चीज है, उत्पादन इकाइयों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, ये सब चेंज किए जा रहे हैं। हम आगे का बहुत बड़ा तैयारी कर रहे हैं, आगे की 3-4 साल 5 साल बाद क्या हो सकता है उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। तो उनमें एडवांसमेंट लाया जा रहा है, नए कई शिफ्ट की जा रही, कई मशीनरी बढ़ाई जा रही है, या कई मॉडर्नाइजेशन उसका किया जा रहा है। नई उच्च शिक्षा प्रणाली, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं जो किसी भी नए साथी को आरसीएम में लाकर 1 साल के भीतर भीतर रॉयल्टी एचआर बनाने की गारंटी देता है। ये जोश से ज्यादा समझने की बात है। यस, ये टिकड़मबाजी वाला काम नहीं। आप लोग सुनते अपने मन की बात हो, मैं जो एजुकेशन की बात कर रहा हूँ वह है थोड़ा सा। अच्छा मुझे आप बताओ, सीए करना हो तो ज्यादा पढ़ना पड़ता है या बीकॉम करना हो तो ज्यादा पढ़ना पड़ता है? तो मैं उस एजुकेशन की बात कर रहा हूँ जिसमें हमें थोड़ा ज्यादा सीखना पड़ेगा, ज्यादा समर्पित होना पड़ेगा, ज्यादा सिस्टमेटिक होना पड़ेगा। ये जोश मत दिखाओ, आप उस मेहनत को करने के लिए तैयार हो तो एजुकेशन काम आने वाली, नहीं तो कुछ काम आने वाली। लेकिन उसका डिजाइन चल रहा है और इतना बेहतरीन डिजाइन है, वो इतना बेहतरीन है जिसकी कल्पना आपने कभी की नहीं होगी। तो जिसको लेनी हो आप संपर्क कर लेना, थोड़ी सी कठिन है वो, इतनी आसान नहीं है। और चौथा है आईटी डेवलपमेंट और मैनेजमेंट, इनको बहुत स्ट्रांग बनाया जा रहा है। हमारा बैकेंड पे बहुत जबरदस्त काम चल रहा है, आप सामने जो देख रहे हैं उसके अलावा पीछे बहुत चीजें बदल रही है। और स्वास्थ्य रक्षा, ये भी फोकस एरिया है आरसीएम का। तो अभी प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते समय हमारे जो पार्टनर्स जितने भी है उनको भी ये बोला जा रहा है, या हम प्रोडक्ट नए भी लाते हैं तो आजकल हेल्थ पहले चेक कर लेते हैं, हेल्थ वाइज कुछ काम करने लायक है कि नहीं है। जैसे भी कॉस्मेटिक्स भी आया तो उसमें कोई कंपनी 9 केमिकल फ्री प्रोडक्ट, जो लिप केयर नेल पेंट नहीं बनाती है, लेकिन अपन ने वो बनाया। अभी कुकर बेचने हैं तो अपने डिसाइड कर लेंगे, ऐसे इसके अलावा कोई कुकर नहीं बेचने। तो हेल्थ हर जगह ध्यान में रखी जाती है, हमें बेड शीट बेचने दे या कॉटन के अलावा बात नहीं करनी। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होगा, बहुत सारी का नहीं होगा, लेकिन मुझे एक ही थ्योरी, मेरे को बहुत सारे वेंडर पूछते हैं आप ऐसा क्यों करते हो, दुनिया बेच रही है, इतनी पुरानी कंपनियां बेचती है, आपको क्या है, आप क्यों इतनी बढ़िया लोग मसालों में बोलते हैं, आप ऐसी कौन से तुरम खा भेजे, आप इतनी बढ़िया क्वालिटी के हल्दी खरीदते हो और इतनी बढ़िया क्वालिटी की मिर्ची खरीदते हो, वो आईटीसी को देखो, उस चाचा को देखो, मामा को देखो, सब उनसे लेते हैं, ऐसा घटिया घटिया माल लेते हो, आप क्यों नहीं लेते हो? मैंने कहा भैया हम तो केवल व्यापार नहीं करते हैं, मेरे को वही सामान बेचना है जिसे मैं घर में यूज कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, मेरा दिल कभी अलाउ नहीं करता है कि मैं उसको बेचूं। सिंपल थ्योरी है, इससे ज्यादा आगे दिमाग लगाने का नहीं। तो ये कुछ फोकस एरिया है। आपको एक थोड़ी अच्छी खुशखबरी भी दे देता हूं कि आरसीएम वर्ल्ड, जहां आप अक्सर कर विजिट करने आते रहते हैं, उसको बिल्कुल नया स्वरूप दिया जा रहा है। आप अगर सामने कुछ शब्द लिखे हुए होंगे तो दिख रहे होंगे आपको कि वहाँ एक नया ऑडिटोरियम
कुछ कुछ बन चुका है, उसमें थोड़े बहुत काम और बाकी है। एडमिन ब्लॉक यानी जो ऑफिस है वो कार्यालय वहाँ बहुत है, उच्च स्तर का कार्यालय वहाँ बन रहा है। कैंटीन नहीं तैयार हो रही है। गार्डन वहाँ बहुत सारे गार्डन आपको दिखेंगे, अभी तो केवल आपको थोड़ा गार्डन दिखता है लेकिन बहुत ज़्यादा गार्डन दिखेगा। वहाँ फाउंटेन दिखेगा, वहाँ आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी होगी, वहाँ इंडोर गेम्स होंगे और बहुत सारी चीज़ें होगी। यानी मैं कहता हूँ कि यदि आपको घूमने फिरने की इच्छा हो तो कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके जो कुछ डिजाइन बनकर आ चुके आर्किटेक्ट से, वो देखना चाहोगे या बनने के बाद ही देखना चाहोगे? ये ऑडिटोरियम के बाहर का सीन है, अंदर का नहीं है, ये काम अभी होना बाकी है। ये गेट का है कुछ डिजाइन, ये अंदर गार्डन की जो मैं बात कर रहा था उस तरह से कुछ गार्डन वार्डन होंगे, ये कुछ ऐसे सीन होंगे, ये ऐसा, ये नमकीन प्लांट और सोन पपड़ी प्लांट का डिजाइन बन के आया है जो इस तरह से नया स्वरूप लेगा। ये लेबोरेटरीज, नई लेबोरेटरीज स्थापित होगी और ये के आपके लिए बहुत डिमांड आती है कि हमारे को एक डायरी और कैलेंडर होना चाहिए अर्शिन का। तो ये अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल किया है थोड़े बहुत मात्रा में, ज़्यादा तो नहीं है, पर जिनको मिल जाए वो किस्मत वाले वो ले लेना। बाकी आपको रेगुलर पीयूसी डिपो के थ्रू आपको ये सप्लाई चालू हो चुकी है और टारगेट 2020 मुख्य बात पर आ जाते हैं अपन।